हेलो बच्चों, आज हम लॉक के अगले पार्ट पे पढ़ेंगे। लॉक का अगला पार्ट ये है। पहले तो बताओ कैसे हो, कैसे आप लोग सब ठीक ठाक, सब मजे में, बढ़िया, कैसे चल रहा है? अच्छा, तो आज लॉक के अगले पार्ट करेक्टरिस्टिक, अच्छा मैंने लिख दिया है क्या, करेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। करेक्टरिस्टिक मेंटिसा के बाद अपन लोग बताएंगे कि जिसे जो एक्चुअल में तो करेक्टरिस्टिक मेंटिसा से ज्यादा हमारे काम का है नहीं। काम का हमारे क्या है कि आपके सामने सवाल आएगा कि अगर इसका ये करेक्टरिस्टिक रूट है तो कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल हैं। मतलब एक्चुअल में नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, फाइंडिंग नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू बाय यूजिंग करेक्टरिस्टिक, किसी भी लॉग के करेक्टरिस्टिक को यूज करके ये फाइंड करना ही हमारा काम है एक्चुअल में इस कॉन्सेप्ट में। बट थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक के बारे में मैं बताना चाहता हूं। उससे पहले कुछ मैं पर्टिकुलर वैल्यू लिख रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ साथ जवाब दे रहे होंगे। लॉग वन की वैल्यू, लॉग बेस टेन वन की वैल्यू, सबको आंसर पता है जीरो। लॉग बेस टेन टेन की वैल्यू, सबको आंसर पता है वन। लॉग बेस टेन 100 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 पे कितना कितना पावर किया जाए कि 100 हो जाए, तो आपका आंसर आएगा 2। लॉग बेस 10 और आपका किसी ने कहा कि भाई 1000 का जवाब दो, तो आप कहोगे कि 3। अच्छा थोड़ा सा और मैं बदलता हूं, लॉग बेस 10 कोई कहा 0.1 का जो जवाब दो के दिखाओ ना भाई, 0.1 का बताओ, तो आप क्या कहोगे कि सर 10 की कितना पावर किया जाए कि 0.1 हो जाए, तो आपका जवाब आएगा कि सर एक काम करें कि वो 0.1 को ना 1/10 लिख दें। और 1/10 का मतलब ये क्लियरली दिखने लगेगा कि लॉग बेस 10 की पावर -1 मतलब कितना वैल्यू हो गई, -1। सिमिलरली लॉग बेस 10 0.01 का कोई पूछा तो आप बोलोगे कि लॉग बेस 10 1/100 लिखा है, मतलब लॉग बेस 10 की पावर -2, मतलब आपके जवाब फिर से रेडी है -2 के लिए। तो जो ये सब आ रहे हैं ना, जो ये लॉग की वैल्यू आ रही है, ये आपके करेक्टरिस्टिक कहलाता है। जरा एक और चीज है ना, इसमें एक और बात ऐड करना चाहता हूं मैं कि देखो, मान लो किसी ने कहा कि आपको 5 की वैल्यू चाहिए, आपको लॉग 5 की वैल्यू चाहिए। लॉग 5 की वैल्यू क्या होगी बेस 10 के साथ, आप कैसे इसको ढूंढोगे, क्या अपना जवाब कैसे फाइंड करने की कोशिश करोगे? तो आप कहोगे कि एक काम करते हैं सर, ये 5 हम जान रहे हैं कि 5 10 से छोटा है और 1 से बड़ा है। क्यों ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि बेस 10 पे 1 की वैल्यू हमको पता है, लॉग बेस 10 पे आपका 10 की वैल्यू पता है। तो यहां से हम लॉग अगर दोनों साइड ले लेते हैं तो लॉग बेस 10 1, लॉग बेस 10 5, लॉग बेस 10 आपका ये 10। कोई बहुत अपना दिमाग दौड़ाएगा तो बोलेगा सर हमने लॉग लगाया, क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं होगी, ये कैसे पता आपने चेंज नहीं किया है? तो बच्चों घबराना मत, थोड़ी देर बाद ही मैं बताऊंगा कि कब आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब ये लेस देन वाला लेस देन में चेंज हो जाती है और ग्रेटर देन वाला ग्रेटर देन में चेंज हो जाती है। अच्छा ये आपका हो गया। अच्छा लॉग 1 की वैल्यू हमको पता है कि 0 होती है, लॉग बेस 10 * 5 की वैल्यू आपकी नहीं पता, इसकी ढूंढ रहे हैं और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपको एक चीज पता चल गया कि लॉग बेस 10 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, ये पक्का है। कितना होगी अगर कोई एग्जैक्ट कहेगा निकालने के लिए तो एकाद का हम निकाल के दिखा देते हैं कि कितना होगा एग्जैक्ट, बाकी हर किसी का नहीं निकल पाएगा। लॉग बेस 10 क्योंकि लॉग टेबल देखना पड़ता है आपको निकालने के लिए, लॉग बेस 10 को हम 10/2 लिख सकते हैं 5 को, क्योंकि 10 के टर्म में लिखना हम लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें वैल्यू पता होती है। फिर हमने लॉग m/n का हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, ये 2, जरा देखो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1, माइनस इसकी वैल्यू होती है, आप धीरे धीरे इसको उतना तो याद करें ना, केमिस्ट्री में बहुत जरूरत पड़ती है, 0.3010। जब घटाया जाएगा तो ये 0, ये 9, ये आपका यहाँ पे भी ये आपका 9 और यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा into 6, 0.6990। तो ये आपका log base 10 5 की वैल्यू हो गई, log base 10 5 की वैल्यू हो गई। क्या इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही है? सबका जवाब आया हाँ सर बिल्कुल आ रही है, दिख रहा है क्लियरली कि हाँ 0 से 1 के बीच में है। इसमें एक जो चीज आ रही है ना, ये जो ये वाली
जीरो, इसी को हम बोलते हैं, यानी जिसको हम लिख सकते हैं जीरो प्लस समथिंग, जीरो प्लस समथिंग डेसिमल लिख सकते हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि g इक्वल टू जीरो पॉइंट समथिंग कुछ कुछ आ रहा है। अब क्या है ये समथिंग में हमको नहीं पता कि अब इस वाले किसी पता है, बाकी किसी का नहीं पता। तो जो ये जीरो है यही कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। और जो ये समथिंग है इसी को हम मेंटिसा बोलते हैं, जो समथिंग है इसी को मेंटिसा बोलते हैं, मेंटिसा से ज्यादा मतलब नहीं, कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान देना है। तो ऐसे कितने, अगर मैं कहूं कि लॉग बेस सेवन की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे कि सर इसकी वैल्यू भी ना, इसकी वैल्यू भी जो होगी वो आपका जीरो से वन के बीच में ही होगी। कितनी होगी? जीरो से वन के बीच में होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगेन इसकी वैल्यू कुछ आपका लॉग बेस सेवन की वैल्यू हो जाएगी, जीरो पॉइंट समथिंग। अब समथिंग में क्या रहेगा वो अपने को नहीं पता, कुछ ही 0.57 या यहाँ पे 6 है, थोड़ा सा इससे बढ़ के जाएगा 7000 ऐसे कुछ टाइप की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका आ गया। तो ये जो जीरो है ये क्या कहलाएगा? कैरेक्टरिस्टिक है। ये क्या कहलाएगा? कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब एक बात बताओ, सवाल तो था कैसे पूछता है, बोलता है कि कितनी कितनी ऐसी वैल्यूज होंगी जिनका कैरेक्टरिस्टिक जीरो होगा, बेस टेन पे कितनी ऐसी वैल्यूज होंगी, कितनी ऐसे इंटीग्रल वैल्यू होंगी जिनका आपका कैरेक्टरिस्टिक जीरो होगा। तो बोलो, सात का आ रहा है, जरा से देखो, वन का जीरो, टू का लॉग बेस टेन टू अगेन जीरो से वन के बीच में लाई करेगा वैल्यू जीरो, थ्री का भी, फोर का भी, फाइव का भी, सेवन एट नाइन टेन, तो टेन तक नहीं, टेन से पहले, क्योंकि टेन का तो वन आ जाएगा, टेन से पहले, तो जी आपका वन से लेके नाइन तक कुल नाइन ऐसी वैल्यू होगी जिनका कैरेक्टरिस्टिक जीरो होगा। तो उसके बारे में अभी फटाफट हम लिखते हैं, क्या क्या अपने को क्या लिखना है अपने को। बस ये सवाल मान लो ऐसे पूछता है कि हाउ मेनी इंटीग्रल नंबर्स विच हैव अ कैरेक्टरिस्टिक जीरो फॉर लॉग बेस टेन। तो कितने हो जाएंगे? हम कहेंगे कि भाई एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, कुल कितने हो जाएंगे? नौ, नाइन हो जाएंगे कुल मिला के। अच्छा, ये तो मैंने ये बिल्कुल सिंपली आपको मैंने बता दिया, अगर कैरेक्टरिस्टिक जीरो कह रहा है तो कैसे, ये तो हम मैथमेटिकली कैसे फाइंड करेंगे, मेथड क्या होगा, जरा मेथड इसका अप्लाई करते हैं कि सर ये तो मान लो कि लॉग बेस 10 के लिए है, आपको पता है 1 to 7 से लेकर 9 तक फटाफट आप काउंट करके बता दी कि सर 9 है, हम कैसे पता करेंगे सर किसी और सवाल आ गया तो। तब पहले से हम मेथड देख के चलते हैं, अगर कैरेक्टरिस्टिक कैर इक्वल टू, कैर मतलब कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू जीरो कितने का? फॉर लॉग बेस 10, तो हम मान लेंगे कि लेट सच नंबर यानी वैसी जिनके कैरेक्टरिस्टिक जीरो होता है वो मान लेते हैं कैपिटल एन है। तो क्या हो जाएगा, अगर कैरेक्टरिस्टिक जीरो है तो आप इसकी वैल्यू लॉग बेस टेन एन की वैल्यू एक से छोटी और जीरो से बड़ी या बराबर हो सकती है। बराबर क्यों? लॉग बेस टेन वन की वैल्यू जीरो, तो जीरो से बड़ी या एक से छोटी हो सकती है। एक पे इक्वल क्यों नहीं? क्योंकि लॉग बेस टेन टेन का आपका एक करते ही कैरेक्टरिस्टिक वन हो जाएगा, जीरो नहीं रहेगा। अब यहां से अगर हम लॉग हटाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि लॉग हटेगा, तो इस बार ये इनइक्वलिटी होने की वजह से दोनों पे आके चढ़ जाएगा यहां पे। पहली बात, अभी भी मैं लॉग हटा रहा हूं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी नहीं बदल रहा हूं, क्योंकि मैंने वैसे सवाल आपके सामने अभी रखने हैं जिन पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी नहीं बदलेगी, पर इसका यह मतलब नहीं कि यही फंडामेंटल रूल है इसका, क्योंकि इसमें एक और रूल इंप्लीमेंट होने वाला है, वो मैं थोड़ी देर आगे बताऊंगा, या शायद पीछे थोड़ा बता भी चुका हूं, तो थोड़ा और आगे बताऊंगा कि कब ये आपका इनइक्वलिटी चेंज होती है। तो ये आपके आ जाएगा 10 की पावर 0 लेस देन आर इक्वल टू n लेस देन आर इक्वल टू 10 की पावर 1, ये हो गया 1, ये हो गया आपका n और ये हो गया आपका 10। बोलो 1 से लेके 10 के बीच में नंबर ऑफ इंटीजर्स,
देयरफॉर नंबर ऑफ इंटीजर्स इंटीजर्स बिटवीन कहां से कहां तक बच्चों 1 to 10 इसमें 1 कंसीडर है 10 कंसीडर नहीं किया गया है तो 10 - 1 = 9 एक बात ध्यान देना अगर पहली और आखिरी दोनों नंबर जब दोनों छोर इंक्लूड किया जाता है मतलब कोई कहे कि 1 से 10 तक मतलब 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर भी तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 10 नंबर तक आप गिनोगे तो 10 नंबर होंगे लेकिन कोई आपको ये कहेगा कि 1 से लेकर 10 तक नंबर कितनी होंगी जिसमें से कोई एक इंड छोड़ दिया मान लो 10 नहीं काउंट कर रहा है तो आपका 1 से लेकर सिर्फ 9 तक काउंट करोगे उस केस में नंबर आपका 9 हो जाएगा तो ध्यान रखना कि दोनों साइड में अगर दोनों साइड में इक्वल टू नहीं है तो आपका सीधे घटा दो तो आंसर मिल जाता है दोनों साइड में इक्वल टू है तो आपका एक घटाने के बाद फिर एक जोड़ दो मतलब इन दोनों घटे से कोई कहे कि 82 से 99 के बीच में कितनी नंबर होंगी तो आप ये 99 - 82 कर दो जो भी आंसर आएगा ये हो जाएगा लेकिन 82 से 99 तक कोई कह दे तक कि यहां तक पूरा लेना है इसको और इसको तक हटाने के बाद एक और जोड़ दो ये 18 नंबर्स हो जाएंगे ये एक बेसिक बात होती है कि दोनों इंड शामिल करना है या नहीं इसका बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है क्योंकि अभी तो ये छोटा मैं बता रहा हूं आगे चल के जब बड़े बड़े सवाल आएंगे तो उस केस में अपने जरूरत पड़ेगी तो कुल कितने इंटीजर्स आ गए कुल कितने आपका इतने ऐसे इंटीजर आ गए जिनके करेक्टरिस्टिक 0 है तो आपके आ गए 9 किसके लिए बेस्ट 10 के लिए अब मैं सवाल स्लाइटली बदल रहा हूं स्लाइटली सवाल बदलने का मतलब कि अब इस सवाल में मैं बेस्ट 10 देने के बजाय सेम चीज बोल रहा हूं बेस्ट 10 देने के बजाय मैं कुछ अन्य बेस्ट दे रहा हूं जैसे देखो मैंने ये कहा आपसे कि फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू फॉर विच कैरेक्टरिस्टिक इज 0 फॉर लॉग बेस 5 का मतलब लॉग बेस 5 मैंने बदल दिया 5 के बजाय आप चाहो तो और कुछ कर सकते हैं 7 कर सकते हैं मतलब ऐसा लगेगा कि सर 5, 4, 10 में सिमेट्री है 5 और 2 का तो मतलब 2 का सिमेट्री है या 5, 4, 10 सिमेट्रिकल है कुछ इसमें सिमेट्री बन रहा है तो आप शायद उसमें से कुछ सेटिंग कर रहे हो सेटिंग कुछ नहीं है बिल्कुल मेथड है इसको निकालने का तो क्या करेंगे कह रहा है कि 0 से लेके आपका 0 ऐसे कितने ऐसे इंटीग्रल वैल्यू होंगे जिनका आपका कैरेक्टरिस्टिक रूट 0 कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 0 होगा और उनका बेस लॉग बेस का क्या होगा 7 तो हम क्या करेंगे भाई इसके लिए जरा देख ले इसके बाद आपके लिए सवाल मैं छोड़ दूंगा एक ले लेंगे कि लेट सच नंबर्स ये सब आपको थोड़ी लिखना है सच नंबर्स आप तो फटाफट बस n लेके फटाफट यही वाला इक्वेशन लिखो देयरफॉर लॉग बेस 7n इसकी वैल्यू देखो कितना 0 बोला है तो 1 से कम और 0 से बड़ा इसके बीच में क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 0 होने का मतलब कि वैल्यू उसकी 0 से 1 के बीच में कैरेक्टरिस्टिक 1 होने का मतलब 1 से 2 के बीच में तो ये हो जाएगा आपका आप जरा देखो ये मैं लॉग हटाऊंगा तो दोनों साइड में आएगा दोनों को बोलेगा आप लोग थोड़ा ऊपर चले आप लोग तो ये थोड़ा ऊपर खिसक गए यहां से और ये यहाँ पे n बचा ये भी थोड़ा ऊपर खिसका के इनके नीचे खुद इनका बोझ अपने सर पे रख लिया अब यहां से आ गया 1 < n > 7 मतलब 1 से लेकर 7 तक क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंक्लूड नहीं करना है क्या आ गया तो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हो गए 7 - 1 = 6 या मैं ऐसे कहूं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्योंकि 6 तो 7 नहीं लेना है तो 7 तो यहीं तक बोलो बात समझ में आ गई अगर मैं आपको 7 के बजाय लॉग बेस 12 दे देता लॉग बेस 13 दे देता लॉग बेस 15 दे देता तो क्या दिक्कत है तो भी आप ऐसे ही फटाफट लगा के आंसर लगा देते बोलो बात समझ में आई बच्चों ठीक है जरा सर नेक्स्ट पे बात करेंगे एक और सवाल ऐसा ही करेंगे एकदम बिल्कुल ऐसे ही एक सवाल करेंगे ठीक है आओ अगले सवाल पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक मेरा सा छोटा सा आपसे एक प्रश्न है
प्रश्न ये है कि अगर मैंने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक रूट कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जीरो है, मैंने कहा कि ये लॉग बेस टेन है कोई, या लॉग बेस मान लो कि हाँ मान लो टेन ही मान लेता हूँ, एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट अगर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक रूट बार बार निकल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आपका अगर इसका जीरो है, तो मैंने क्या किया था लॉग बेस टेन एन की वैल्यू वन से जीरो पे इक्वलिटी लगा के आगे बोल दिया आपसे। बट अगर यही मैं कहूं कि लॉग बेस टेन एन का कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू का इसका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू अगर वन है, तो मुझे क्या करना चाहिए लॉग बेस टेन एन और एक आगे वन जहां दिया है उस पे इक्वल टू और एक आगे तक ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। नहीं समझ में आया तो ये याद कर लो कि जो दे रहा है उससे एक आगे तक अपने क्वेश्चन कर लेना है। थोड़ा समझाने कोशिश करो, जैसे देखो मैंने कहा लॉग बेस टेन टेन की आपका कितना होगा इसकी वैल्यू वन, लॉग बेस टेन हंड्रेड की वैल्यू क्या होगी आपने कहा टू, मैंने कहा कि किसी भी रैंडम नंबर लॉग बेस टेन 25 का क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे कि सर एक काम करते हैं हम जानते हैं कि 25 10 से लेकर 100 के बीच में लाई करता है। किसी का मन करेगा बोलेगा अरे सर आप 10 क्यों ले रहे हो, 1 से ले लो ना कि 0 से ले लो ना कि 0 से 100 के बीच में लाई कर रहा है। कोई बात नहीं, 0 से 100 ले लो तो भी बात एक ही है, बस वही है कि आपने एक बैरियर और पीछे से बात कर रहे हो, मतलब एक 1 वाला बैरियर छोड़ के एक और बैरियर पीछे से बात कर रहे हो। तो आप हमेशा जो पूछ रहे हो उसके एक उसी के टर्म में जो नंबर्स आ रही हैं उनके ही आप बात करें तो आपका बेहतर रहेगा। ये अब इस पे लॉग आपने अप्लाई किया तो लॉग बेस 10 10 लॉग बेस 10 25 लॉग बेस 10 100 क्या आ गया वैल्यू 1 लेस देन लॉग बेस 10 25 लेस देन 2, कितने कितने से के बीच में इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1 से 2 के बीच में। मैंने यहाँ पे कहा आप सो कहोगे कि सर आप यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल टू नहीं लगाया क्लोज ब्रैकेट नहीं है, जबकि आप यहाँ पे इक्वल टू लगा रहे हो क्योंकि मैंने कहा कि आपको 10 से 100 के बीच में मैं यहीं पे नहीं लगा रखा था। बट लॉग बेस 10 10 की वैल्यू 1 होती है, उसके पीछे आएंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं लेकिन मैं उस तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता इसीलिए नहीं लगाया था। बात समझ आ रही है, तो इसकी वैल्यू देखो आपका 1 से 2 इस लॉग की वैल्यू 1 से 2 कब तक 2 तक कब तक 2 से जस्ट पहले तक रहेगा जब ये 99 पहुंचेगा 99 तक, जैसे ही 100 हुआ उसकी वैल्यू 2, 101 की 2 पॉइंट समथिंग, 102 की 2 पॉइंट समथिंग, 103 की 2 पॉइंट समथिंग, लॉग बेस 10 107 की 2 पॉइंट समथिंग, लॉग बेस 10 199 लॉग बेस 10 99 की वैल्यू कितनी 999 की वैल्यू 999 की वैल्यू कितनी, आप तब भी कहोगे कि सर 999 1000 से कम है 10 की पावर 3 से कम है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा, 3 के बहुत करीब होगा लेकिन 3 अभी भी नहीं होगा, 3 कब होगा जब लॉग बेस 10 1000 हो जाएगा। तो अगर वैसे ही अगर सवाल आपसे अगर ये कहता, देखो कितना सिंपल सवाल पूछ रहा है, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू फॉर विच कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 3 लॉग बेस मान लो मैंने यहां पे छोटा सा नंबर दिया 2 लॉग बेस 2 के लिए, एकदम छोटा सा नंबर दिया कि लॉग बेस 2 के लिए कितना कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा, तो अब आप जान चुके हो, जरा फटाफट निकाल के बताओ क्या करोगे। आप फटाफट बोलोगे मान लेते हैं कि वैसी नंबर्स आपके n है, वैसी इंटीग्रल नंबर जिनकी वैल्यू 3 से 4 के बीच में होगी क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक रूट 3 दे रखा है। अब यहां से इसको मारा तो ये इसको ऊपर खिसकाएगा इसके भी क्योंकि दोनों साइड में जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 की पावर 3 लेस देन आर इक्वल टू एन लेस देन 2 की पावर 4, ये हो गया 8 लेस देन आर इक्वल टू एन, ये हो गया 2 की पावर 4 16। तो बोलो 8 से लेकर 16 तक कुल कितने नंबर, तो टोटल इंटीजर्स हो गई कितनी हो गई बच्चों 16 माइनस 8 क्योंकि एक ही बाउंड्री इंक्लूड की जा रही है तो घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8 8 8 तो ये हो गया 8। तो ये आप गिन भी सकते हो क्या,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. देखो 8, 9, 10, 11, 12, फिर 13, 14, 15, 16. कितना आ गया? तो आपका 16 तो लेना ही नहीं था, तो आपका 15 तक तीन इधर और पांच इधर, आठ नंबर्स आ गई। तो टोटल आठ नंबर्स होंगी ऐसे जिनका लॉग बेस टू के साथ, अगर यही लॉग बेस टू के बजाय लॉग बेस फाइव कर देता या लॉग बेस सेवन कर देता तो भी हमको आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि जरा देखो, अगर मैं आपको सवाल देता हूं बच्चों, अगर मैं सवाल देता हूं कि फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, बस ये प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद अगले सवाल में इससे लेवल बढ़ाने वाला हूं अगले सवाल का, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू फॉर विच, मैं सवाल का थोड़ा सा तरीका बदलने वाला हूँ कैसे सवाल पूछेगा, बस इस वाले में थोड़ा आसान दे रहा हूँ इसको। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू फॉर विच कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू टू फॉर, किसके लिए? फॉर लॉग बेस मैंने कहा कि नाइन या मैंने कहा कि सिक्स है, लॉग बेस सिक्स के लिए आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, फटाफट बोलोगे कि सर लॉग बेस सिक्स मैंने मान लिया एन, इसको तीन से दो के बीच में डाल दिया क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक टू है तो टू पहले रहेगा वहां पे, इक्वल टू रहेगा, तीन से दो से तीन के बीच में डाल दिया, ये हटाया, ये इसको ऊपर खिसकाया, ये इसको ऊपर खिसकाया, दोनों का भार अपने सर पे ले लिया और ये हो गया एन, ये हो गया सिक्स की पावर थ्री, सिक्स का स्क्वायर 36 लेस देन आर इक्वल टू एन, ये 216। मैं सवाल इसीलिए कराया हूं कि इस बार हर बार की तरह हम काउंट नहीं कर पाएंगे कि 16, 17, 18 ऐसे नहीं कर पाएंगे, या 36, 37, 38 यानी 36, 37, 38 हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए, देयरफॉर नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, और कोई कंफ्यूजन भी ना हो, इंटीग्रल वैल्यू इज इक्वल टू क्या करेंगे, आखिरी में से पहले वाले को घटा देंगे 216 माइनस 36 और ये हो गया 0, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 1180 आपका आ गया। बात समझ में आ रही है? तो टोटल 180 ऐसी नंबर्स होंगे जिनके ऐसे इंटीग्रल नंबर्स होंगे जिनका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आपका आ रहा होगा या कैरेक्टरिस्टिक रूट आ रहा होगा या आपका 2, जिसका बेस कितना रहा होगा 6। बात समझ में आ गई? अब जरा सवाल का लेवल बढ़ाते हैं, आ जाओ बच्चों। हाँ बच्चों आओ, अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा बढ़िया है, मतलब एक थोड़ा सा दिल आऊं उसी में ऐसे बढ़िया कि आपका दिमाग चलने लगा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखा है कि इफ लॉग बेस थ्री एंड इज इक्वल टू अल्फा वन प्लस बीटा वन एंड, और मैंने कहा कि लॉग बेस फाइव एन इज इक्वल टू अल्फा टू प्लस बीटा टू, और सवाल में कह रहा है वेयर अल्फा वन एंड अल्फा टू आर इंटीजर्स एंड बीटा वन कॉमा बीटा टू बिलोंग टू जीरो से लेके वन तक, जीरो पे क्लोज लगा सकते हैं, जीरो से लेके वन तक, वेयर अल्फा वन इक्वल टू मान लो टू दे दिया और अल्फा टू इक्वल टू मान लो कि फोर दे दिया। देन कह रहा है कि देन फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, देन फाइंड, डायरेक्ट मैं लिखता हूं इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, एन की कितने इंटीग्रल वैल्यू होंगी ये हमने को पता करना है। जरा सवाल को समझते हैं, क्या कहा है कि अल्फा वन प्लस बीटा वन, अल्फा टू प्लस बीटा टू इसकी वैल्यू है, अल्फा वन और अल्फा टू दो इंटीजर्स हैं और बीटा वन बीटा टू आपका कोई जीरो से वन के बीच में नंबर है, अल्फा वन अल्फा टू की वैल्यू भी दे रखा है, तो पूछ रहा है कितने एन की वैल्यू संभव है, ऐसे कितने एन संभव है। ठीक है, जरा देखते हैं बच्चों क्या होगा, क्या क्या चीज कर सकते हैं इसमें। पहले तो एक छोटी सी बात बताओ, लॉग बेस टेन थ्री की टू की वैल्यू मैंने बता रखा है अभी 0.3010, मैंने कहा इसको लिख सकते हैं 0 प्लस
0.3010। या अगर मुझसे कोई पूछता कि log 20 की log 10 20 की वैल्यू बताओ, तो हम कहते कि ये लिखा है log बेस 10 10 इंटू 2 और ये m प्लस n वाले पे तोड़ दिया, log बेस 10 10 प्लस ये आपका प्लस आपका log बेस 10 2 और यहां से आप निकाले तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू आपका हो गया 0.3010। यानी अगर इकट्ठा लिखना होता तो 1.3010 लिखते, यानी इसकी वैल्यू इतनी आई। बट हम कह रहे हैं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो बस ये एक ही बात को बार बार अपोजिट डायरेक्शन में घुमाया जा रहा है कि ताकि आपको चीज मैं बता सकूं। देखो ये वाली, देखो ये दो तरह से मैं लिख सकता हूं किसी भी लॉग की वैल्यू को, दो तरह से, कुछ इंटीजर कुछ डेसिमल। और जो वही जो 0. समथिंग में लिखाया था और 1. समथिंग लिखाया था वही वाली चीज है। अब बताओ ये 1 वाला इंटीजर है और 0.3010 वाला डेसिमल है, क्या ये हमेशा जो कोई भी लॉग सम इंटीजर प्लस सम डेसिमल लिखा जाएगा क्या? और जो इंटीजर होता है इसी का मैंने नाम क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इसी का नाम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। और जो डेसिमल है वो क्या है आपका, मेंटिसा। मेंटिसा मतलब किसी भी लॉग बेस कुछ भी हो, मान लो 10 n को मैं लिख सकता हूं कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। और जो मेंटिसा होता है वो आपकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 से 1 के बीच में होता है और ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी हो सकता है। जरा बताओ अगर ये बात अपन समझ गए हैं तो ये पिछले सवाल को जरा इधर देखो पढ़ते हैं कि क्या लिखा है कि भाई ये लॉग बेस 3n में अल्फा 1 बीटा 1 में आपका अल्फा 1 इंटीजर है और अल्फा 2 भी इंटीजर है, मतलब ये दोनों है क्या, कैरेक्टरिस्टिक रूट। बीटा 1 और बीटा 2 कह रहा है कि ये नंबर 0 से 1 है, मतलब ये श्योर क्या हो गए, मेंटिसा। मतलब ये दोनों सवाल में मेंटिसा दे रखा है और ये दोनों क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। और हमसे बोल रहा है कि आपका इसमें कितने ऐसे n होंगे जिनकी वैल्यू अल्फा इक्वल टू 2 और अल्फा 1 इक्वल टू 2 और अल्फा 2 इक्वल टू 4 हो जाए, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाए और इसका कैरेक्टरिस्टिक 4 हो जाए, तो नंबर सच नंबर ऑफ n बताना है। जरा देखो मैं चाहता हूं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सवाल थोड़ा सा मैं अगर 4 और 2 कर रहे तो और मजेदार सवाल बन गया होता। तो क्या करेंगे, ये लिख दिया हुआ है, गिवन क्या है, तब इस सवाल में गिवन है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग बेस 3n इज इक्वल टू 2 दे रखा है, क्योंकि अल्फा 1 है, अल्फा 1 की वैल्यू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा यहां से लॉग बेस 3n लेस देन आर इक्वल टू 2, यहां हटा देंगे यहां पे 3, ये इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 3 की पावर 2 लेस देन आर इक्वल टू n लेस देन आपका 3 की पावर 3, क्या नंबर आ गया ये 9 से लेकर n की वैल्यू 81 के बीच में रुक जाएंगे। अब ही हम घबराना नहीं है क्योंकि सवाल में एक और दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग बेस 5n इक्वल टू 4। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्यों घबराना नहीं है मैं बताता हूं, क्योंकि घबराना क्यों नहीं है आपका, इसका मतलब ये इसके देने का मतलब हुआ log बेस 5n 4 से छोटा, नहीं 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 नहीं, नहीं यहां पे 4 यहां पे 5 और आपका ये इधर गया, दोनों को ऊपर किया 5 की पावर 4 लेस देन आर इक्वल टू n लेस देन 5 की पावर 5, 5 की पावर 4 5 की पावर 4 कितना, 5 की पावर 2 होता है आपका 25, फिर आपका 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625 लेस देन आर इक्वल टू n, 5 की पावर 5 कितना हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 25 में इसमें आप 5 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5 2 और 3000 आपका 31 हो जाएगा, जैसे 525 5 2 जा 10 2 और 566 जा 30 31 31 3125। तो आप जरा देखो पहले तो इसमें से कोई नंबर अगर कॉमन होगी, अगर कोई नंबर इनमें से कॉमन होगी तो वो नंबर हम हटा देंगे, बोलेंगे कि नहीं ये वाले नंबर्स दो बार काउंट नहीं होगी, एक बार काउंट होगी। जैसे मैं अभी अगले सवाल पे इसी पे मैं बस सवाल चेंज करूंगा तो पता चल जाएगा।
तो अब यहाँ पे दोनों ही नंबर में से कुछ कॉमन नहीं है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई आपकी 81-9 मतलब n इक्वल टू 72 और यहाँ पे n की वैल्यू आपके आ गई 3125-625 और आप निकालेंगे तो ये 00 और ये 25 आपका टोटल 2500 आ जाएगा। तो 2500 नंबर ये और 72 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा प्लस 72 जोड़ दो तो जो भी आपका आ रहा है 2572 इतनी टोटल इंटीजर्स होंगे जिनके लिए आपका कैरेक्टरिस्टिक कभी यहां पे 2 होगा और कभी यहां पे 4 होगा। ठीक है ना। तो यहां पे n के लिए ये और n के लिए ये, बात समझ में आ रही है। लेकिन 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 इस सवाल में हमने जो बोल रखा है वो आपका देखो, या तो ये आपका कभी या तो 2 था या ये 2 या आपका 4 था, 2 या 4 था। लेकिन अगर सवाल थोड़ा सा बदल देता हूं, देखो थोड़ा सा बदल देता हूं, सवाल मैंने क्या बदल दिया, सवाल सब कुछ यही। देखो बच्चों नया सवाल चालू हो रहा है। अगर मैंने कहा कि वेयर अल्फा 1 की वैल्यू 4 हो जाए एंड अल्फा 2 की वैल्यू 2 हो जाए, एंड और आर का मतलब है, एंड और आर का भयंकर मतलब है, एंड मतलब कॉमन वैल्यू लेना है, आर मतलब कोई सी वैल्यू आ जाए जो दोनों में से कहीं एक जगह मिल प्रेजेंट हो, दोनों में से कहीं एक जगह प्रेजेंट हो वो कहलाता है आर, उसको लेना, और दोनों से कॉमन वैल्यू लेना कहलाता है एंड। तो हमको लेना है इस बार कॉमन वैल्यू, देन फाइंड, तब सवाल आगे कंप्लीट कर रहा हूं मैं, देन फाइंड नंबर, देन फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन। तो देखो जरा आप क्या करेंगे, सिमिलर बिल्कुल सब कुछ तो वही है, बदलने वाला नहीं है, कहीं पे कुछ भी बदल नहीं रहा है, दोनों की वैल्यू लगाते चले जाएंगे और इस बार इतने में अपना आंसर निकालेंगे। देखो ठीक से कर रहे हैं, फिर से दोबारा जरा समझने की कोशिश करेंगे अपन लोग। बच्चे क्या लिखा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग बेस 4 लॉग बेस 3 एन इक्वल टू अल्फा 1 और अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इस सवाल जो मैंने बदला हुआ सवाल है उसमें 4 आ गया। तो क्या मतलब हुआ, आपका फटाफट दिमाग के जो न्यूरॉन्स है ना वो एक्टिव हो गए होंगे और कह रहे होंगे कि नहीं 4 से 5 के बीच में अप्लाई करो, लॉग गिराओ, लॉग को गिराओ, गिराते ही ये पहुंचेगा 3 की पावर 4 लेस देन आर इक्वल टू n लेस देन 3 की पावर 5। 3 की पावर 4 दुनिया में किस दिन के लिए आया था, 3 की पावर 4 की वैल्यू 81 n और 3 की पावर 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, दुनिया में किस किस की वैल्यू कितनी होती है 243। तो अब यहाँ पे टोटल यहाँ पे 243 ये हो गई। ठीक है रुके रहेंगे, अभी भी मैं फिर से कर रहा हूँ रुके रहेंगे, थोड़ा सा मैं ना जगह छोड़ दे रहा हूँ कि शायद अगले वाले में कुछ काम बन जाए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग बेस 5 एन की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है, अल्फा 2 और अल्फा 2 की वैल्यू कितना दे रखा है 2, देखो यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इसका मतलब आपके दिमाग के न्यूरॉन्स फटाफट आपसे एक सिग्नल पहुंचा है कि 2 से 3 के बीच में होगा, लॉग गिरेगा, सब न्यूरॉन्स काम करने लगे आपके, ये n हुआ, ये 5 की पावर 3 हुआ, 5 की पावर 2 कितना 25, 5 की पावर 3 कितना 125। अब तो आपके पास समस्या हो गई कि सर इस बार आपने कहा था कि एंड है तो आपको लेना क्या है कॉमन वैल्यू, यहां पे क्या लेना है टेक कॉमन वैल्यू, यहां पे इनके और इनमें कॉमन वैल्यू ऑफ एन क्या लेना है, एन की कॉमन वैल्यू लेना है। अब एन की कॉमन वैल्यू लेना है, सर कैसे पता चलेगा कि एन की कितनी कॉमन वैल्यू है, तो जरा देखो मैं एन की कॉमन वैल्यू आपको दिखा रहा हूं कि कितनी एन की कॉमन वैल्यू है, कैसे पता करेंगे। तो देखो पहला वाला स्टार्ट हुआ कहां से, 81 से स्टार्ट हुआ, दूसरा वाला कहां से स्टार्ट हुआ 25 से। अब ये 25 से जाते 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 जिस दिन n की वैल्यू 81 होगी उस दिन दोनों देखेंगे, अरे हम दोनों में प्रेजेंट है 81, यहां है ही यहां है, दोनों कहेंगे कि अब आ जाओ मेरे पास। आगे 81 से आगे 82, फिर देखेंगे अरे यहां भी है यहां भी है, बोलेंगे तुम भी आ जाओ। करते करते कहां तक जाएंगे, ये 124 तक, यहां ये भी दिखा रहे मेरे भी 124 है, दोनों बोलेंगे आ जाओ।
125 एक कहेगा मेरे में तो है, तेरे में है तो भेज दे, नहीं है तो बस दोनों हम लोग छोड़ देते हैं। 125 के देखते ही कहेगा नहीं मेरे में तो नहीं है, 126 भी नहीं है, 127 भी नहीं है। इसका मतलब कि 81 से लेके 125 तक की वैल्यू, 25 से पहले 124 तक की वैल्यू अवेलेबल है। कैसे सोचेंगे? दूसरा तरीका, एक एन है 25 से लेके 125, दूसरा एन है यानी इनके बीच की सभी इंटीजर्स हैं, और एक एन है 81 से लेके 243 एक इनके बीच की। अब जरा देखो कॉमन क्या है यहां से लेके यहां तक। अच्छा, लक यह है कि ये वाली वैल्यू यहां पे शामिल नहीं है, नहीं शामिल होने का मैं पीछे बता चुका हूं कि इसको हॉलो नंबर से लगाते हैं। यहां पे ऐसे ही ये वाली यहां पे शामिल नहीं, दिखाने का तरीका है कि भाई यहां पे इसका जो जो हॉलो सर्कल लगाया जाता है या व्हाइट सर्कल लगाया जाता है, कॉपी पे देखें तो व्हाइट सर्कल बन जाएगा ये, तो इसका मतलब होता है कि ये वाली नंबर्स इसमें इंक्लूड नहीं है। तो 81 से लेके 125 के बीच की कॉमन वैल्यू हो जाएंगे। तो कॉमन वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, तो आपका हो गया 125 माइनस 18 दोनों में था तो ये शामिल है, ये आपका घटके हो जाएगा 4 और यहां से आपका हो जाएगा ये भी 4, 44 नंबर्स होंगे। ऐसे कितने नंबर्स हो जाएंगे आपकी, 44 नंबर्स हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई बच्चों? टोटल 44 नंबर आएंगे जिनकी आपका कैरेक्टरिस्टिक रूट 3 लगाने पे आपका 4 आएगा और 4 लगाने पे 5 लगाने पे 2 आएगा। कैरेक्टरिस्टिक रूट 5 लगाने पे, बेस 5 लगाने पे 2 आएगा और बेस 3 लगाने पे 4 आएगा। ऐसी कॉमन वैल्यू ऐसी होगी। अगर यहीं पे ये होता कि या तो ये हो या तो ये हो और होता तो हम इसमें से 125 में से आपका 181 तक सबको जोड़ लेते, लेकिन इस इतने नंबर्स को यानी 44 नंबर को एक ही बार कंसिडर किया जाता, क्योंकि काउंटिंग जो होती है दो अलग अलग, आपको कोई कहेगा कि यहाँ पे 2 है और 2 है, देखो जब काउंटिंग होगा तो जब सेट में काउंटिंग करेंगे तो दोनों को एक ही बार काउंट करेंगे। ये नहीं कि ये कहेंगे कि नहीं ये भी दो है ये भी दो है, मतलब टू इंटीग्रल वैल्यू है, नहीं एक ही इंटीग्रल वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? एक। हाँ, ये टू थ्री थ्री फोर है तो अब कितनी इंटीग्रल वैल्यू कहलाएगी, तो एक ये एक ये एक ये, तीन इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये आप सर दो दो एक चार पांच वैल्यू, नहीं ऐसा, बात समझ आ रहा है? तो ऐसे जो कॉमन वैल्यू है इसको एक बार काउंट करेंगे, बाकी इधर का अगर आर होता तो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक रूट और मेंटिसा के ऊपर सवाल कैसे बनते हैं, बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं इसके लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पर। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं।